Thank you very much for the channel, subscribe here and bell icon to press here so that you can see the video first. Hello and welcome guys, this is Ranjit Sharma and you are watching Tech Advisor Pro. And in this video, we are going to talk about 5 amazing applications which you can install in your phone and do cool tricks in your phone. So without any wasting your time, let's start this video. तो यहाँ पर जो हमारे पास सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है उसका नाम है अर्थ लॉन्चर। ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग लॉन्चर है और मैंने काफ़ी सारे लॉन्चर्स यूज़ किए हैं बट ये उनमें से काफ़ी ज़्यादा अलग लगा मुझे। और यहाँ पर आपको स्वाइप अप करने पे आपके सारे मेन्यू के एप्लीकेशंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और इसका जो इंटरफेस वो आपको काफ़ी हद तक आयरन मैन की याद दिलाएगा। और नीचे की साइड आपको एक आयरन मैन का लोगो भी देखने के लिए मिल जाएगा और जो इसका डाई पैड है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है बाकी सारे लॉन्चर्स से। और ऊपर की साइड आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी, आपका डेटा, वाईफाई, नेटवर्क्स और काफ़ी कुछ भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर हम बात करें इसके सबसे बेस्ट फीचर के बारे में तो मुझे यहाँ पर इसको कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन यहाँ पर मिला जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग इस पूरी थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके वॉलपेपर्स, इसके जेस्चर्स, इसके इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं कस्टमाइज़ करने के लिए। तो ये एक मुझे सबसे ज़्यादा इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। इवन आप इसके कलर टोन को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि नॉर्मली आपको ये सारे फीचर्स किसी और लॉन्चर में देखने के लिए नहीं मिलेंगे बट इस लॉन्चर में मुझे काफ़ी ज़्यादा ये एक इसकी यूनिक चीज़ लगी। और यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं इसके बटन को भी चेंज करने के लिए। तो चलिए, मैंने ये एप्लीकेशन को कुछ थोड़ा कस्टमाइज़ किया है अपने अकॉर्डिंग और अब मैं इसे कर देता हूँ अप्लाई, तो देखते हैं कि इसका इंटरफेस है वो किस तरीके से लगेगा। ये हो चुका है अप्लाई और ये इसका जो थोड़ा इंटरफेस है वो थोड़ा चेंज हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। या इसमें आपको काफ़ी और भी ऑप्शन मिल जाएंगे जैसे कि आपको मेमोरी बूस्टर का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर आपको गूगल असिस्टेंट जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा। काफ़ी एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है ये। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन आ जाती है वो है हाइड। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस एप्लीकेशन के वर्क के बारे में। तो बेसिकली अगर आप अपने व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर अपने फ्रेंड से चैट कर रहे हैं और आप नहीं चाहते कि आपके फ्रेंड को पता चले कि आपने उसका मैसेज सीन कर लिया है और आप उसे रिप्लाई भी करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप अपने फ्रेंड के मैसेजेस का रिप्लाई भी कर सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं और आपके फ्रेंड को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसके मैसेजेस को देख लिया है। तो ये काफ़ी यूज़फुल एप्लीकेशन है उन लोगों के लिए जो अपने फ्रेंड के मैसेजेस को बिना देखे ही रिप्लाई करना चाहते हैं और उन्हें पता भी ना चले। और यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे सोशल मीडिया अकाउंट्स के, जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर, आप इन सारे सोशल अकाउंट्स को यूज़ इस पर कर सकते हैं। और थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर थीम का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पे कई सारे थीम्स अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कई सारे कलर्स मिल जाएंगे। ये काफ़ी यूज़फुल एप्लीकेशन है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशन आ जाती है वो है टैम्प मेल। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर एक एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम किसी साइट्स पे जाते हैं या फिर हम किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो वो हमसे हमारा ईमेल एड्रेस मांगता है। तो वहाँ पर अगर हम अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस वहाँ पर डाल देते हैं तो हमें काफ़ी सारे मेल्स आने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर आप एक टेम्प्ररी ईमेल एड्रेस यूज़ करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन में आपको काफ़ी सारे ईमेल एड्रेस देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी साइट पर, किसी भी एप्लीकेशन में। और इसको आपको कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की साइड इनबॉक्स का ऑप्शन भी मिल जाएगा जो कि डायरेक्टली आपको उस ईमेल एड्रेस के मेल्स की और इन्फॉर्मेशन आपको देता रहेगा। तो ये काफ़ी एक अच्छा एप्लीकेशन है, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एप्लीकेशन है उन लोगों के लिए जो काफ़ी ज़्यादा साइट्स पर जाते हैं या फिर काफ़ी सारी एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल चीज़ है।
इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशन आ जाती है वो है यूनिवर्सल कॉपी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पे आजकल कितना कॉपी पेस्ट चल रहा है और ओवर इंटरनेट अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कॉपी पेस्ट लोग काम करते हैं। तो काफ़ी सारी साइट्स ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें कॉपी करने का ऑप्शन वहाँ पर अवेलेबल नहीं मिलता है या फिर उसका कंटेंट जो है कॉपी नहीं हो पाता। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, आपको ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अब इसको आपको सेटअप कर लेना है आपके फ़ोन में और सारी परमिशंस को अलाउ कर देना है। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर हम यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन के बारे में ही अगर बात कर लें तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन आप जानते हैं यूट्यूब पे कुछ भी आपको कॉपी करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। तो आपको आपके नोटिफिकेशन पैनल से या इस पे टैप कर देना है एप्लीकेशन पे और उसके बाद ये एक्टिवेट हो जाएगी। तो इसके बाद अगर आप अपने डिस्क्रिप्शन की तरफ जाएंगे तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारा कंटेंट आपको कॉपी करने के लिए ऑप्शन ये एप्लीकेशन प्रोवाइड कर देगा। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है अगर आप कहीं से आपको कॉपी करना है कंटेंट और वहाँ से आपको अवेलेबल नहीं है ऑप्शन उसको कॉपी करने के लिए, तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू कॉपी कर सकते हैं। तो हमारी जो सबसे लास्ट एप्लीकेशन है वो है फ़ोन। तो बेसिकली ये एक एप्लीकेशन है जो आपके कॉल स्क्रीन पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी क्रिएटिव एनिमेशन लगाने के लिए आपको हेल्प करेगा। तो बेसिकली आपको जाना है अपने थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है बैकग्राउंड कॉल्स के ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको एनिमेशन और पिक्चर लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर हम एनिमेशन पे जाएं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एनिमेशन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मैं आपको कुछ इसमें से एनिमेशन दिखा देता हूँ। एक 3D एनिमेशन आपको आपके कॉल स्क्रीन पे लगाने का ऑप्शन मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसमें आपको कॉल आंसर करने के लिए भी कई सारे पैटर्न यहाँ पर मिल जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे आईफोन की तरह भी इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर आप कई सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे जो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो ये थी 5 एप्लीकेशन जिसे यूज करके आप अपने फोन को काफी कूल बना सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपके पास कोई और सजेशन है इस एप्लीकेशन के लिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं तब तक के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो।